आज देखिए यहाँ पर आपके सामने टेबल पर इस समय डेयरी मिल्क चॉकलेट पूरी तरह से फैला हुआ है और बीच में रखा हुआ है जोलो चिप। जोलो चिप इसलिए रखा हुआ है कि जो विनर हारेगा, लूजर को खिलाया जाएगा जोलो चिप। तो हम चैलेंजिंग वीडियो है, 5 मिनट में जो जितनी चॉकलेट खाना चाहता है खा सकता है, और अगर जो सबसे कम खाएगा उसको जोलो चिप्स खाना पड़ेगा। तो अपना भैया व्यापार अपना संभाल के रखना कितने खाए हो। तो सभी जितने भी चैलेंजर हैं हम उनसे कहेंगे कि आप टॉफी खाइए, चॉकलेट खाइए और तुरंत उस पन्नी को अपने जेब में रखिए, नहीं तो आप ले जान के चलिए कि जोलो चिप खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। तो सुरेंद्र जी बताइए हमारे चैनल के बारे में। खाने में बहुत मजा आया, आप सब पास वीडियो पहुंचेगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत अच्छा, आप आपका विचार बहुत अच्छा रहा। तो पवन जी अभी ही आपका चेहरा देखने के लायक है, यही चीज राकेश कह रहे थे। अभी रुकिए खोलिए कि नहीं, हम थोड़ा सा जो है अपने परम मित्र राकेश जी से। भाई पवन जी बोल रहे थे मेरे दिमाग के पीछे टपक गई है टॉफी, लेकिन बाद में जब जोलो चिप की बारी आई तो ये स्पीड में खाने लगे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। ये देखिए यहाँ सब बैठे हुए जितने भी सज्जनगण हैं पवन जी को देखकर हंस रहे हैं कि सबको रोज मिर्ची खिलाते थे, लेकिन आज खुद इनके जिम्मे जोलो चिप आ गई है। ये देखिए जोलो चिप खोली जा रही है। आप लोग जो भी दर्शक अभी तक जोलो चिप नहीं देखे हैं, हम उन दर्शकों को दिखा दे रहे हैं कि जोलो चिप क्या होता है और इसको खाने से आदमी का नक्शा कैसे बनता बिगड़ता है। ये मतलब जितने चैलेंजर थे सब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चेक करें, तो हम यहाँ रुक जाइए। जैसे कह रहे हैं अगर चेक करने के लिए थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, लेकिन पवन जी को ज्यादा खाना है। ये देखिए डर रहे हैं, डर डर के खा रहे का है। दूसरे को मिर्ची खिलाने में बहुत मजा आती है ना, ये मिर्ची का बाप है। ये देखिए पवन जी का चेहरा देखने लायक बन रहा है। क्यों राकेश जी कुछ कहेंगे? खत्म करो यार। चलिए चलिए देखिए गज्जा अभी देखिए मजा आ रहा है। पवन जी चॉकलेट छिपा दिया था लेकिन चिपकेगा नहीं, पूरा अंदर ही जाएगा।